हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा टू कार्स ए एंड बी आर अप्रोचिंग ईच अदर हेड ऑन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टली। व्हेन देयर सेपरेशन इज एक्स देन ए एंड बी स्टार्ट ब्रेकिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स टू अवॉइड कोलिजन इज, और यहाँ पे मैं चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। पहले मेथड में हम क्या देखेंगे कि दोनों कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है रुकने से पहले, और उन दोनों डिस्टेंस को मैं प्लस करके देख लूँगा कि कितने टोटल कितना डिस्टेंस है। तो हमें उतना ही मिनिमम डिस्टेंस चाहिए टू अवॉइड द कोलिजन, ठीक है। पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि जो ए कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम मोशन की इक्वेशन यूज़ करेंगे वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है गाइस। तो हम पहले कार ए का देखते हैं, ठीक है। कार ए की इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड हो जाएगी जीरो क्योंकि कार स्टॉप ही होगी फाइनली, ठीक है, जब रेस्ट पे आएगी। और एक्सीलरेशन हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है गाइस। इसीलिए ए हो जाएगा हमारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस इसको ले लेंगे हम S1, और ये हमें फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। तो इक्वेशन में हम वैल्यूज़ रखेंगे, वी की जगह रख देंगे जीरो, इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर यू है, यू की जगह रख देंगे 20, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 आएगा, और ये माइनस भी साथ में आ जाएगा, ये वाला माइनस गाइस, ठीक है। और फिर ए की जगह रख देंगे -4, तो जो और जब ये -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा। और S1 तो हमने निकालना है, तो जो हमारा S1 आ रहा है वो आ रहा है 50 मीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कार ए ने ट्रैवल किया है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, ठीक है। अब हम कार बी का देखेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रेस्ट पे आने से पहले, ठीक है। उसके लिए भी हम मोशन की इसी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड हो जाएगी जीरो, और ए होगा वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आप जानते हैं क्यों होगा कि अगर कार बी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये कार बी की मोशन की डायरेक्शन है, तो एक्सीलरेशन जब लगेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग गाइस इस कार बी की जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट लगेगा, इसीलिए जो हम ए को ले रहे हैं वो ले रहे हैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। और डिस्टेंस S2 तो हमने फाइंड आउट ही करना है। वापस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, वी की जगह रख देंगे जीरो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा। यू की जगह रखेंगे 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू, ए की जगह रख देंगे -2, और 2 इंटू -2 कितना होता है -4 हो जाएगा। और S2 तो हमने फाइंड आउट ही करना है, तो ये आ जाएगा हमारा -100 इज इक्वल टू -4 इंटू S2, और जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो जो हमारा S2 आ रहा है वो 25 आ रहा है, और ये माइनस से गाइस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारा S2 आ रहा है वो आ रहा है 25 मीटर। अब S1 प्लस S2 कर देंगे तो कितना आएगा, 75 मीटर आएगा, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू होनी चाहिए 75 मीटर होनी चाहिए टू अवॉइड द कोलिजन, ठीक है। अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। इसमें गाइस क्या करेंगे, हम कार ए की जो वेलोसिटी है वो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि इस वक्त आप बोल सकते हैं कि कार बी रुकी होगी और कार ए है वो मोशन में होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला करेंगे, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो हमें कार ए की वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको गाइस मैंने यू ए ले लिया ले ले यू ए कंसिडर किया है, क्योंकि हम जब इक्वेशन का यूज़ करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो उसमें जो यू की इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे वो यू में रखेंगे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे यू ए लिया, ठीक है गाइस। और वेलोसिटी ऑफ कार बी हमने लिया यू बी, और ये हमने कंसिडर की है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गाइस अगर कार ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कार बी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसीलिए हमने कार बी की वेलोसिटी को नेगेटिव में लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके, सॉरी गाइस, पहले हम वैल्यू रखेंगे, तो वी की जगह मैंने रख दिया यू ए बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, ठीक है। तो यू ए हमारा 20, यू बी है हमारा -10, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो हमारा यू ए बी आ रहा है, यानी कि कार ए की जो इनिशियल स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू कार बी वो हमारी आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम गाइस क्या करेंगे, अब हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है गाइस। तो
हमें पता है कि जो हमारा ए का एक्सीलरेशन है उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कार ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका जो एक्सीलरेशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है गाइस, नेगेटिव डायरेक्शन में कार ए की, ठीक है गाइस। इसीलिए जो कार ए का जो एक्सीलरेशन ले रहे हैं वो हम नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए मैंने ए की जगह रख दिया है -4, ठीक है। और कार बी का जो एक्सीलरेशन है हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि कार बी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में। कार ए की जो मोशन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में कार बी का जो है एक्सीलरेशन लगेगा, इसीलिए यहाँ हम कार बी का जो एक्सीलरेशन है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है गाइस। इस वक्त गाइस हम जो ये नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हैं ना, कार ए की मोशन की डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कार ए का जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है और कार बी का जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो आ रहा है -6 m/s². अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में। और गाइस जो मैंने बताया वो वही मैंने यहाँ लिख रखा है, और हमें पता है कि जो फाइनल स्पीड होगी कार की वो 0 होगी, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, v²-u²=2as। इनिशियल स्पीड गाइस uab, तभी गाइस मैंने वहाँ पे v की जगह uab लिया ताकि हम कंफ्यूज ना होएं, ठीक है, जब हम वैल्यूज रखें इक्वेशन में। तो uab हमारा आ रहा 30 m/s, फाइनल स्पीड हमारी आ रही है 0, क्योंकि कार ने आखिर में रुकना ही है, इसलिए फाइनल स्पीड होगी 0 हो जाएगी। एक्सीलरेशन ab आ रहा है वो -6 m/s² आ रहा है, और डिस्टेंस s जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है वो तो हमने फाइंड आउट ही करना है, ठीक है गाइस। तो इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, v की जगह रख देंगे 0, u की जगह रख देंगे 30, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 900 आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये भी साथ में आ जाएगा। a की जगह रखेंगे -6, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारा -12 × s, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब 900 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा जो s आ रहा है वो आ रहा है 75 m, और गाइस ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं दूसरे मेथड से भी जो हमारे x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 75 m टू अवॉइड द कोलिजन। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर 2। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने में। और थैंक यू गाइज़।